प्राइम में बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहां एक बार फिर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई, जिसे लोगो पायलट की सूझबूझ ने नाकाम कर दिया। वहां रेलवे ट्रैक पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ था, जिसे वक्त रहते लोगो पायलट ने देख लिया और फिर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। ये मामला गोविंदपुरी भीमसेन रेलवे लाइन के रूट का बताया जा रहा है। घटना की जैसी इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई और जीआरपी आरपीएफ मौके पर जांच के लिए पहुंच गए। तो एक बार फिर से ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई है कानपुर में। यहां सिलेंडर रखा हुआ था ट्रैक पर और जैसे ही इस सिलेंडर को लोको पायलट ने देखा, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। अमित सिंह हमारे सहयोगी एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिर से कोशिश हुई है ट्रेन को डीरेल करने की और इस बार कानपुर में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को डिटेल करने की कोशिश हुई है और ये गोविंदपुरी भीमसेन रेलवे ट्रैक पर की कोशिश की गई है। दरअसल जो एक सिलेंडर है वो मिला, वो लोको पायलट ने देखा सबसे पहले रेलवे ट्रैक पर, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई है और बाद गोल्डन गेट में तुरंत स्टेशन की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर आरपीएफ आईसी लोकल पुलिस मौके पर पहुंचकर लगातार इससे पहले भी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो रेलवे ट्रैक पर वो खंभा मिला था, सिलेंडर मिला था, जिसके बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। उस मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, तब तक ये मामला निकलकर सामने आया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और यहाँ